खुदरा महंगाई की दर बढ़ने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सब्जियां, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ये सवाल सीधे केंद्र सरकार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा है। ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल पा रहा। बीजेपी सरकार ने तो जेब काट कर पेट पर लात मारती है। तो ट्विटर पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये सवाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कि आखिर जब दाल, चीनी, आटा और सब्जी महंगे हो जाएंगे तो गरीब क्या खाएगा? बीजेपी सरकार ने जेब काट कर पेट पर लात मार दी। ये ट्वीट है जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। सब्जियां, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या? ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल पा रहा। बीजेपी सरकार ने तो जेब काट कर गरीब के पेट पर लात मार दी। तो ये वो ट्वीट है जो हमने दिखाया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका हम रुक कर लेते हैं। नरेंद्र, सीधा एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का केंद्र पर निशाना, बीजेपी सरकार ने जेब काट कर पेट पर लात मार दी है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जो है खाद्य पदार्थों को लेकर आज जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें तेल, दाल और आटा महंगा होने की बात की है और गरीबों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात की है कि गरीब खाएगा क्या जब सब चीजों में महंगाई आ गई है। तो उन्होंने एक तरीके से आर्थिक मंदी और खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार को घेरा है। कल उन्होंने ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश सरकार को और उन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों के मामले में प्रदेश सरकार उनको झांसा दे रही है और कीमत नहीं बढ़ा रही है। ये कांग्रेस की उस पॉलिसी के तहत है जिसको लेकर कल दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ करने की बात की गई थी। उसमें राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास गरीबी है, बेरोजगारी है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो प्रियंका गांधी का ट्वीट उसी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा जिस पर कांग्रेस पार्टी चल रही है और जिसको लेकर देश में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। कल बैठक हुई थी और कल भी ट्वीट किया था प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आज गरीबों की बात की है, खाद्य पदार्थों की बात की है और महंगाई की बात की है। तो इस समय कांग्रेस जो है गरीबों को फोकस कर रही है, आर्थिक नाकामी की बात कर रही है और जो कीमतें बढ़ रही है उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय दिखी है और तमाम किसानों और गरीबों की बात उठाने की बात कांग्रेस कर रही है। इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का आज का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा होने की बात कही है, गरीबों का पक्ष रखा है और इसपे मंदी की वजह से गरीब ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये बात करके भाजपा सरकार पर एक तरीके से निशान लगा रहा है। जी आत्मा, बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार प्रियंका गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार पर निशाना साध रही है, चाहे वो सीए को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। और अब जिस तरह से उन्होंने ये बात रखी है कि जब सब्जी, तेल, दाल, आटा महंगा हो जाएगा तो आखिर गरीब खाएगा क्या, तो सीधे कहीं ना कहीं ये एक वोट बैंक की राजनीति करते हुए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यूपी की राजनीति में इस वक्त बेहद ही सक्रिय भूमिका निभा रही है और कोई यहां पर कोर कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो ट्विटर हैंडल के जरिए हो, चाहे वो धरातल पर उतर लोगों के बीच जाने की कोशिश, तो नरेंद्र इस एक्टिव होने का कितना असर दिख रहा है यूपी की राजनीति में? देखिए, कांग्रेस काफी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, जब से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की राजनीति में सक्रिय हुई है इसको लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती हूँ। चाहे सोनभद्र की घटना हो, किसानों के साथ जो गोलीकांड हुआ था, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सीए को लेकर कई जिलों में गई और वो प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और लगातार प्रदेश सरकार पर हमला बोलती रही। लेकिन इधर बीजेपी ने अपनी जब से यात्रा, जागरूकता यात्रा और रैलियां शुरू कर दी है, सीए को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही। तो इस बीच कांग्रेस ने दूसरा मुद्दा ढूंढ निकाला है, वो है महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों का मुद्दा। अब कांग्रेस गरीबों
गरीबों की बात कर रही है, किसानों की बात कर रही है और महंगाई की बात कर रही है। अब सीएए को लेकर जो कल बैठक हुई थी उसमें तमाम पार्टियों ने जो विपक्ष के बुलाए थे उसमें नहीं शामिल हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बसपा और सपा भी कांग्रेस के बुलावे पर कल दिल्ली नहीं पहुंची थी। तो अब ये मुद्दों की राजनीति है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि गरीबों के साथ खड़ा होना, उनके हित की बात करना ये गलत नहीं है और जहां जरूरत पड़ेगी कांग्रेस गरीबों के साथ और पीड़ितों के साथ खड़ी रहेगी। उसी मुहिम का एक हिस्सा है ये, कांग्रेस की पॉलिसी है कि भारतीय जनता पार्टी को हर बिल्कुल नरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।